आज की जो वीडियो है वो है बलेनो के बारे में। बलेनो BS6 वर्सेस BS4 में क्या फ़र्क है, कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के बीच। 3 साल पहले जब मेरे को कार लेने की थी तो मुझे बलेनो का प्रेफर किया था कार गुरु अमित जी ने और गाड़ी .5 वाले गगन चौधरी जी ने। 25,000 किलोमीटर में मेरी बलेनो चला चुका हूँ। अभी तक मुझे इस गाड़ी में कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है। पिछले वीक ही मैंने सोमनाथ टेम्पल से अंबाजी टेम्पल 1278 किलोमीटर की टूर की और मैंने उसमें फ्यूल डलवाया 65 लीटर का। आप समझ सकते हैं 20 की एवरेज में निकाल के आया हूँ इस गाड़ी में। MID में 16.80 की एवरेज दिखा रहा है लेकिन मैंने टैंक टू टैंक एवरेज निकाली है। ये है इसका सिंपल सा म्यूजिक सिस्टम, ये है स्टीयरिंग के स्विच कंट्रोल्स और ये है गियर बॉक्स। फ्रंट की सीटें कुछ इस तरह से दिखेगी आपको। अब आते हैं रियर में, रियर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं इसमें कितनी जगह है और सीटों में आपको मिलेगा फैब्रिक्स। ये है आर्मरेस्ट गाड़ी में। आपको लेंथ मिलने वाली है 3995 mm की, विथ मिलने वाली है 1745 mm की और हाइट मिलने वाली है 1510 mm की। ये जो आप देख रहे हैं वो है डेल्टा 1.2 पेट्रोल BS4 2017 मॉडल। अब आते हैं बलेनो BS6 पे। मारुति सुजुकी बलेनो की एक शोरूम कीमत आपको 5,70,000 से लेके 9,03,000 तक मिल जाएगी और मारुति बलेनो में आपको मिलेंगे 5 कलर और 8 वेरिएंट, ग्रे मेटालिक, पर्ल फोनेक्स रेड, नेक्सा ब्लू, प्रीमियम सिल्वर मेटालिक और पर्ल एरेटिक वाइट। आज हम आए हैं गुजरात के गिर सोमनाथ के कोड़ीनार में और आज बात करेंगे हम बलेनो के बारे में, जो कि अभी मेरे दोस्त विनू भाई सागर नई नवेली बलेनो लेके आए हैं। पूछते हैं उनसे कि उन्होंने आखिर बलेनो क्यों ली। हाँ विनू भाई जी, आपने बलेनो ही क्यों ली? बलेनो क्या है कि पूरा मैंने सब शोरूम देखे, हुंडई टाटा सब मैंने देखा है, पर जितनी स्पेस बलेनो में मिल रही है और कोई गाड़ी में मुझे नहीं मिली। तो पीछे देखो वो स्पेस है बैठने का और आगे भी एकदम कंफर्ट है और एकदम बजट के हिसाब से जो लग्जरी का फील होता है वो सिर्फ बलेनो में ही आया मुझे। अच्छा, तो आपने और कोई कार का टेस्ट ड्राइव किया था? जबकि इस सेगमेंट में होंडा वेन्यू आ रही है, नेक्सन आ रही है, स्विफ्ट आ रही है। हाँ, उसमें भी लिया था मैंने 2-3 गाड़ी का टेस्ट ड्राइव भी किया था तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगी, इसलिए मैंने ये खरीदी। अच्छा, ये BS6 है? BS6 और ये आपको कितने में पड़ी? ये लगभग 7 लाख के आसपास। 7 लाख के आसपास। अच्छा, कितनी चला ली है आपने ये गाड़ी? अभी तो 1,000 किलोमीटर ही चली। अच्छा, मारुति सुजुकी बलेनो में आपको मिलेंगे ABS, डुअल एयरबैग, EBD, ब्रेक असिस्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर। मारुति सुजुकी बलेनो में आपको व्हील बेस मिलने वाला है 2520 mm का और उसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है आपको 170 mm का। मारुति सुजुकी बलेनो सिग्मा और डेल्टा में आपको टायर मिलने वाले हैं 18565R15, जेटा और अल्फा में आपको टायर मिल सकते हैं 16 के। मारुति सुजुकी बलेनो सिग्मा और डेल्टा में आपको मिलेंगे व्हील में स्टील रिंग्स और उसके जो ऊपर के दो मॉडल है जेटा और अल्फा उसमें आपको मिलेंगे एलॉय व्हील्स। स्पेयर व्हील सब में सेम रहने वाला है स्टील रिंग्स का। मारुति सुजुकी बलेनो BS4 और BS6 के बीच में जो मुझे दो मेजर डिफरेंस दिखाई दिए उसमें एक है उसका म्यूजिक सिस्टम और एक है उसकी हेडलाइट। मारुति सुजुकी बलेनो BS4 में जो पहले म्यूजिक सिस्टम आता था वो सिंपल सा MP3 आता था, लेकिन BS6 में अभी आ गया है 2 DIN with 4 speaker के साथ में। मारुति सुजुकी बलेनो में सीट आपको मैन्युअल मिलेगी, अगर आपको अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है तो उसे मैन्युअली आगे पीछे करना पड़ेगा।
मारुति सुजुकी बलेनो की ये है रियर की सीटें, इसमें आपको स्पेस की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। ये है मारुति सुजुकी बलेनो BS6 का हेडलैम्प जो आता है अभी प्रोजेक्टर, और पहले आता था सिंपल सा एलोजन लाइट्स। मारुति सुजुकी बलेनो 1.2 पेट्रोल इंजन में आपको माइलेज मिलने वाला है 21 किलोमीटर पर लीटर का। फ्यूल टैंक आपको मिलेगा मारुति सुजुकी बलेनो में 37 लीटर का। मारुति सुजुकी बलेनो में आपको इंजन मिलेगा 1197 सीसी 4 सिलेंडर 1.2 VVT इंजन जो पावर जनरेट करता है 82 BHP पे 6000 RPM और टॉर्क जनरेट करता है 113 Nm पे 4200 RPM। मारुति सुजुकी बलेनो 1.2 पेट्रोल इंजन का कर्ब वेट रहने वाला है 865 किलोग्राम। मारुति सुजुकी बलेनो में मुझे जो दो कमियां नज़र आई उसमें से है उसका पीछे का सस्पेंशन, जो पीछे बैठे हुए बंदे को एक छोटा सा खड्डा भी महसूस करवाती है, और दूसरी है इसकी चद्दर जो छोटा सा कंकर टकराने पर गाड़ी में डेंट कर जाती है। अब बात करें बूट स्पेस की, तो मारुति सुजुकी बलेनो 1.2 पेट्रोल में आपको बूट स्पेस मिलने वाला है 339 लीटर का, जो कि इस सेगमेंट में आने वाली सभी गाड़ियों से लार्ज है।